Hello everybody, I am Kishan Singh Rathore, physics faculty, CLC Sikar. Aaj hum paper ka solution kar rahe hain, physics ke paper ka, jo ki 9th Jan ko evening shift mein hua tha, IIT mains ka paper. Okay, to iske pehle question se start karte hain. An electron of mass m, magnitude of charge E initially at rest, get reflected by a constant electric field, the change in the de Broglie wavelength at time t. तो टी टाइम के साथ में दे ब्रोगली वेवलेंथ में चेंज निकालना है. दे ब्रोगली वेवलेंथ में चेंज निकालने के लिए हमें उसकी वेलोसिटी चाहिएगी. तो पहले हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ले आते हैं. तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लाने के लिए हम लगाते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at. कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम ये लगा सकते हैं. एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलेरेशन हो जाएगा ee बाय m और टाइम कितना हो गया t. तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की आ गई वेलोसिटी. लैम्डा की बात करेंगे, लैम्डा हो जाएगा h बाय mv. ओके, यहाँ पे h बाई एम वी, वी का वेलोसिटी, वी का वैल्यू रख दिया हमने ई ई टी बाई एम. ओके, एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो हमें लैम्डा मिल जाएगा. लैम्डा इज इक्वल टू h ई कैपिटल ई इंटू टी. अब इस लैम्डा का हमें रेट ऑफ चेंज चाहिए तो डी लैम्डा बाय डी टी, डी लैम्डा बाय डी टी. ओके, दैट इज इक्वल टू व्हाट, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लिया हमने h बाई ई ई, ये तो कांस्टेंट है, और 1 बाई टी का हो जाएगा माइनस 1 बाय टी स्क्वायर. सो ये हमारे पास में d लैम्डा बाई डी टी आ गया. तो ये हमें मिल रहा है इस ऑप्शन में. सो हमारे लिए ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट प्लीज, इस क्वेश्चन में कहा है, सेकंड क्वेश्चन में द करंट इन द नेटवर्क, ये आई करंट कैलकुलेट करना है. जैसे हम देख रहे हैं इसमें डायोड लगे हुए हैं और ये एक बैटरी लगा हुआ है. तो ये जो बैटरी है, ये बैटरी जो है इन दोनों डायोड के साथ फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है. हमने देखा बैटरी की पॉजिटिव पोलरिटी इसके नेगेटिव से कनेक्ट है तो ये रिवर्स बायस है, और ये भी क्या है, रिवर्स बायस. तो ये दोनों डायोड वर्क नहीं करेंगे. ठीक है, तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा. तो जो भी करंट है यहाँ से फ्लो होता हुआ, इधर से ऐसे फ्लो होता हुआ, यहाँ से सर्किट को कंप्लीट करते हुए ऐसे बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो ये जो करंट आ जाएगा, ये करंट हो जाएगा टोटल वी डिवाइड बाई आर इक्वलेंट. अच्छा, वी कितना है, वी हमारे पास है 9 वोल्ट. आर इक्वलेंट कितना है, ये 5 ओम, 5 प्लस 10 15 प्लस 5 20 एंड 30. तो 30 हमारे पास में ये वोल्ट रेजिस्टेंस हो गया, डिवाइड कर लिया हमने, ये आ जाएगा 0.3 एम्पियर. ओके, 0.3 एम्पियर. सो हम इसको वापस लिख देते हैं, 0.3 एम्पियर. सो इस केस में हमारे पास हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्मॉल सर्कुलर लूप ऑफ द कंडक्टिंग वायर हैज अ रेडियस ए करंट आई, इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सच दैट व्हेन इट इज रोटेटेड स्लाइटली अबाउट द डायमीटर एंड रिलीज स्टार्ट परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड टी, द मास ऑफ द लूप इज एम, देन व्हाट इज द टाइम पीरियड. अच्छा, इसमें एक लूप दे रखा है, लूप में करंट पास हो रहा है. लूप में जब करंट पास हो रहा है तो ये एक मैग्नेटिक मोमेंट देगा, तो ये डाइपोल हो गया. तो हमारे लिए डाइपोल रखा है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में. डाइपोल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगता है टॉर्क, और वो टॉर्क हो जाएगा एम बी साइन थीटा. ओके, एम की बात करेंगे तो एम हो जाएगा आई इंटू ए, करंट आई पास हो रही है. लूप का एरिया कितना हो गया, पाई ए स्क्वायर, बी मैग्नेटिक फील्ड, एंड थीटा स्मॉल लेते हैं तो साइन थीटा को थीटा रख सकते हैं. टॉ जो होगा टॉर्क, दैट इज आई इंटू अल्फा. आई जो हमारे पास होगा वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अगर हम लूप की बात कर रहे हैं और मान लो ये लूप है और इसको इसके डायमीटर के अबाउट रोटेट करने की बात कर रहे हैं तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू. सो एम आर की जगह हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू आई इंटू अल्फा. ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आई बी मल्टीप्लाइड बाई थीटा होल डिवाइडेड बाय, अच्छा ये टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय एम, और ये माइनस साइन हमने रीस्टोरिंग टॉर्क का लगा दिया. सो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी, दिस इज आवर ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया. सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू टू पाई आई बी, टू पाई आई बी बाय एम. तो यहाँ से ओमेगा निकल गया तो टाइम पीरियड हो जाएगा टी इज इक्वल टू टू पाई बाय ओमेगा. तो ओमेगा में ये हो जाएगा एम अपॉन टू पाई आई बी. ये 2 पाई को अंदर भेज दिया, ये जाके अंदर जाके 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, 4 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, पाई स्क्वायर से पाई कैंसिल, और ये m अपॉन i इंटू बी. सो इस बेस पे हम कह सकते हैं सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट है. ओके,
Next, please. Next, a plane electromagnetic wave is propagating along the direction this and polarization along the K cap. The correct form of the magnetic field is what? A magnitude is B naught for the magnetic field. Ab isme hume direction of propagation de rakha hai I cap plus J cap by root 2. Aur dusra hume de rakha hai ki plane of polarization. So polarization along the direction K cap. So iska matlab agar K cap mein polarization hua hai, matlab electric field jo hai wo K cap direction mein hai. So electric field vector hume mil gaya. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो हमें मिल गया कौन सी डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन अगर हम कहें इलेक्ट्रिक फील्ड की सम ई नॉट के साथ में डायरेक्शन हो जाएगी कितनी, के कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है. और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हम जानते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है ई क्रॉस एच, और एच की जगह हम बी ले सकते हैं अगर सिर्फ हम डायरेक्शन की ही बात कर रहे हैं तो, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आ जाएगा. तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हमें दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट टू. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कौन सी डायरेक्शन में दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया है के कैप डायरेक्शन में, सिर्फ डायरेक्शन की बात करें क्रॉस बी. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर यहाँ प्लेस कर दी जाए तो हमें ये यूनिट वैक्टर मिल जाना चाहिए. तो इस हिसाब से अगर हम अच्छा उस पर अगर इस हिसाब से लेके चलें, अच्छा डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये बी मैग्नीट्यूड दे रखा है, ये हमें सबका ये मैग्नीट्यूड दे रखे हैं सब जगह, ठीक है. तो मैग्नीट्यूड के साथ में ये डायरेक्शन भी दे रखा है, तो यहाँ पे एक एक डायरेक्शन रख के दे सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर के में है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है के में नहीं हो सकता, ये कैंसिल हो जाएगा. अगर मैं यहाँ पे हीट एंड ट्रायल में बी की वैल्यू आई कैप माइनस जे कैप ओके बाय रूट टू रखता हूँ, ओके, तो ये मेरे को आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट टू मिल जाता है, ठीक है. तो उस हिसाब से हमारे पास में ये ऑप्शन जो है ठीक बैठ जाएगा कि अगर हम कर देते हैं आई, जैसे इसमें के क्रॉस आई, जब हम के क्रॉस आई करते हैं, दिस इज आई, दिस इज जे, दिस इज के, तो के क्रॉस आई हो जाता है जे, तो हम इसको जे लिख सकते हैं, ठीक है. माइनस के क्रॉस जे होता है माइनस आई, तो माइनस माइनस ये प्लस आई हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई ये रूट टू, तो ये हमारी डायरेक्शन मैच कर गई. तो हमने इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट कर दी और इस डायरेक्शन का हमारे पास में एक ही ऑप्शन है, इसमें जे माइनस आई है, इसमें आई माइनस जे है, इसलिए हम कहेंगे कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में टू आइडेंटिकल कैपेसिटर ए एंड बी, ये ए और बी दो कैपेसिटर हैं और सेम चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट दे रखा है और टी को 0 पे इनको कनेक्ट किया है ए एंड बी एट. अब इन पे हमसे चार्ज पूछा गया है, इफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर ए एंड बी एट टी इक्वल्स टू सी आर, यानी कि आर सी यानी कि टाइम कांस्टेंट इज क्यू एन क्यू बी, देन हमसे क्यू एन क्यू बी पूछा है. पहली बात कि ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है. तो ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है और हमने इसको डायोड से कनेक्ट किया है, डायोड का ये नेगेटिव है तो नेगेटिव को और ये पॉजिटिव कह दिया, तो हमने नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है यहाँ पे और पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया है, तो ये हो गया रिवर्स बायस में. रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता है, डायोड कंडक्ट नहीं करता है तो इसके ऊपर कोई चार्ज चेंज होने वाला नहीं है. तो इसमें क्यू ए का जो वैल्यू रहेगा, जो पहले था सी वी, वो सी वी अभी भी कितना रहेगा, सी वी रहेगा. सेकेंड के लिए, सेकेंड में ये प्लस जो है ये प्लस से कनेक्ट है तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया. अगर ये फॉरवर्ड बायस हो गया तो इसमें करंट फ्लो करेगा, तो किसी कुछ टाइम के बाद में इस पे जो चार्ज आएगा क्यू, दैट इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ओके ई टू द पावर माइनस टी बाय आर इनटू सी. तो क्यू नॉट इसमें इनिशियल चार्ज था कितना, सी वी, और हमें कौन से टाइम पे पूछ रहा है, हमें भी सी आर टाइम पे पूछ रहा है, तो सी आर और आर सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी वी बाय ई ओके. तो ये हमारे पास हो जाएगा क्यू बी. तो इस हिसाब से हमें मिलता है ये फोर्थ ऑप्शन, ठीक है. तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट है, टू स्टील वायर हैविंग द सेम लेंथ आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग अंडर द सेम लोड, इफ द रेशियो ऑफ देयर एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इज 1:4 देन देयर रेशियो ऑफ देयर डायमीटर. एनर्जी स्टोर्ड हम लिखते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी वो लिखते हैं हम हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. अब यहाँ पे हमसे स्ट्रेन की बात नहीं कर रखी है तो हम स्ट्रेन को रिप्लेस कर लेते हैं, तो 1/2 इंटू स्ट्रेस और स्ट्रेन को हम रिप्लेस करते हैं यंग मॉडुलस इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ओके. तो यहाँ से हम स्ट्रेन कैलकुलेट कर लेते हैं, स्ट्रेन हो जाएगा स्ट्रेस बाय वाई, तो ये स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइड बाय वाई.
सो ये एनर्जी डेंसिटी का अनदर फॉर्मेट हो गया. स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर बाय एरिया स्क्वायर, तो 2 इनटू ए स्क्वायर और इनटू वाई. हमसे कहा गया है कि दोनों स्टील वायर हैं तो दोनों के लिए वाई क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और अंडर द सेम लोड की वजह से एफ भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. तो एनर्जी डेंसिटी जो है वो ए स्क्वायर की यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्क्वायर की. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आर स्क्वायर को अगर हम डायमीटर से भी रिप्लेस कर लें तो ये हमारे पास यू हो जाएगा 1/d^4. एरिया पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज आर की पावर 4, तो ये डी की पावर 4 हो जाएगा, डी इज द डायमीटर. सो हम यहाँ कह सकते हैं कि यू वन by U2 is equals to D2 by D1 की पावर 4. अच्छा, U1 by U2 एनर्जी स्टोर है 1/4 रेशियो में, सो दिस इज 1/4 is equals to D2 by D1 पावर 4. ओके, रूट ले लेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 is equals to D2 by D1 का होल स्क्वायर. सो डी वन बाय डी टू अगर लेंगे तो रिवर्स भी कर लेंगे और रूट ले लेंगे, दैट इज √2:1. तो इस हिसाब से सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट प्लीज. ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एट t = 0 विद द इनिशियल वेलोसिटी इज दिस मूविंग द एक्स वाई प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. दिस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन द वाई कोऑर्डिनेट 32 इज डी मीटर, देन द वैल्यू ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज डी. हमसे कहा है कि t = 0 पे रवाना हुआ है. इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो यू एक्स जो हमें दे रखा है 3 दे रखा है, ठीक है, आई कैप में. और यू वाई की बात करें तो यू वाई कितना दे रखा है, कुछ नहीं दिया, इसका हम 0 कंसीडर करके चल रहे हैं. कॉन्स्टेंट एक्सेलेशन है ये ए एक्स, ये 6 हो गया, और ए वाई जो है हमारे पास 4 हो गया. द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल विद द वाई कोऑर्डिनेट 32, वाई कोऑर्डिनेट 32 होगा तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अगर हम वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो ये वाई कोऑर्डिनेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमें 32 दे रखा है. यू वाई कितना था इनिशियली 0, ए वाई कितना था 4, और टी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 16, तो टी हमारे पास आ गया यहाँ से कितना 4. जब टी 4 आ गया तो इसी टी को हम वापस इसमें प्लेस कर देते हैं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये हम एक्स डायरेक्शन में रख रहे हैं इस बार. अगर एक्स डायरेक्शन में रख रहे हैं तो ये हमसे डी पूछा गया है. यू एक्स कितना है, यू एक्स है 3, और टी कितना है 4 प्लस हाफ ए एक्स कितना है, ए एक्स इज 6 और ये 4 स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 16 इंटू 3 दैट इज 48 और दैट इज 60. सो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 60 मीटर. सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट प्लीज. एन इलेक्ट्रॉन गन इज प्लेस इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ द रेडियस आर on its axis, the solenoid has an n-turn point length carries the current I, the electron gun shot an electron along the radius of the solenoid, है ना, radius of the solenoid के along उसने v speed से एक electron fire किया, the electron does not hit the surface of the solenoid, then the maximum possible value of, ये जैसे solenoid दे रखा है, solenoid का ये axis हो गया एक तरह से, ठीक है, और इस axis के along कहीं पे जाके यहाँ से gun से electron fire किया गया है, ठीक है, along the radius फायर किया गया, मतलब इधर फायर किया गया है क्योंकि उधर तो मैग्नेटिक फील्ड रह जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में. तो इसका हम क्रॉस सेक्शन व्यू देखें तो ये इसका क्रॉस सेक्शन व्यू हो गया कि ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है, इसमें मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है, ये इसका एक्सिस है, एक्सिस से हमने रेडियस के अलॉन्ग अगर हमने फायर किया वी वेलोसिटी से, ठीक है, तो ये ऐसे घूम के आएगा और घूम के आएगा तो ये सरफेस को टच नहीं करे तो ये यहाँ तक क्या बनना चाहिए, इसका सर्कल बन जाना चाहिए. तो इलेक्ट्रॉन जब सर्कल में मूव करेगा, ठीक है, तो सर्कल का रेडियस जो आएगा सोलेनोइड का रेडियस का हाफ हो जाएगा, तो R इज इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू बी जब हम लिखते हैं, R इज इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू बी, आर डैश कह देते हैं, या आर डैश जो है हमारे लिए है कितना, ये आर डैश हमारे लिए आर बाई टू, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक, इससे ज़्यादा रेडियस से नहीं जा सकता, नहीं तो सर्फेस से टकरा जाएगा, तो ये हो जाएगा आर बाई टू, ठीक है, मास एम, वेलोसिटी वी, चार्ज ई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितना होता है म्यू नॉट एन आई मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड. तो हमसे पूछा है द वैल्यू ऑफ वी, अब चूंकि ये हमने मैक्सिमम रेडियस ले लिया है तो ये भी जो वैल्यू आ रही है ये क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है. सो वी मैक्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वी मैक्स हो जाएगा ई म्यू नॉट एन आर
into I, that is whole divided by 2m. Okay, so is base pe E mu naught n I by 2m, fourth third option jo hai wo correct ho gaya. Next please. Next hai a spring of mass m, spring of mass m and spring constant k, sorry, spring mass system of mass m. Spring mass system mein mass m hai, spring jo hai massless hai aur spring constant k hai, natural length l, rest on the equilibrium on a horizontal disk. The free end of the spring is fixed at the center of the disk. The disk is together with a spring mass system rotate about its axis with an angular velocity omega, and this is given k is much much greater than m omega square. The relative change in the length of the spring is best option given by. So humne kaha ki maan lo ye spring hai aur iske sath ye block laga hua hai aur ye center se ye disk ke center pe attach hai, theek hai, aur ye disk aise rotate karti hai, yahan pe disk hai, disk rotate karti hai, disk rotate karti hai to ye bahar ki taraf jane lagega, bahar ki taraf jane lagega to jab ye natural length se, iska natural length se maan lo ye abhi natural length l naught thi aur ye x distance chala jayega yahan tak, to andar ki aur jo force lagega spring force wo lagega k x. L not natural length hai, natural length ke upar kitna hai, natural length ke upar x distance chala gaya, maan lo ye yahan se yahan chala gaya hai na rotation ki wajah se, to k x andar ki taraf force lagega, jo force center ki aur lag raha hai k x, that is centripetal, that is m r omega square. Ab jo r ho jayega wo ho jayega l not plus x, ye aapka x hai to yahan se total distance ho jayegi l not plus x, to ye ho jayega l not plus x into omega square. Okay, इसको हम ऐसे सॉल्व कर लें k by m omega square is equals to l naught by x plus 1, इसको हमने लिख दिया k minus m omega square upon m omega square is equals to l naught plus x, ठीक है, इसको हमने रिवर्स कर लिया तो ये हो जाएगा x upon l naught is equals to m omega square अपॉन k माइनस m ओमेगा स्क्वायर. अब हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी कि दिस इज वेरी वेरी ग्रेटर, तो हम यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर बाई k, और ये रिलेटिव चेंज हो गया तो m ओमेगा स्क्वायर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट प्लीज. ए वायर ऑफ द लेंथ l मास पॉइंट लेंथ दिस इज पुट अंडर द टेंशन, द कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेजोनेंस आर दिस एंड दिस, देन l इज वॉट. तो वायर में अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट एजुक्स टू वन अपॉन टू एल रूट टी बाय म्यू होता है, ठीक है. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें ये दो कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इनका जो डिफरेंस होगा है ना वो हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे देगा, 490 माइनस 420 दैट इज इक्वल टू 70. तो ये 70 हर्ट्ज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रख दिया हमने, 1/2 L लेंथ कितना दिया है, लेंथ हमें कैलकुलेट करना है, टी टेंशन हमें 540 दे रखा है, ठीक है, डिवाइड बाय म्यू मास पर यूनिट लेंथ हमें ये एसआई में दे रखा है 6 × 10⁻³. सो इसको सॉल्व करके हम यहाँ से एल कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2.1 मीटर. सो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट हमसे कहा गया है कि एल सी सर्किट है, ओके, उसमें एल और सी दे रखा है हमसे और वोल्टेज अप्लाइड भी दे रखा है. द करंट इज गिवन बाय एल सी सर्किट में अगर हम करंट की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले इसमें ये हमारे पास में ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है और ये हमारे पास एसी सोर्स है, हम इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम एक्स एल और एक्स सी कैलकुलेट कर लेते हैं. एक्स एल जब कैलकुलेट करते हैं दैट इज इक्वल टू ओमेगा एल. अच्छा, वोल्टेज का वैल्यू हमसे दे रखा है, वोल्टेज का वैल्यू हमको दे रखा है ये दिस, ठीक है, तो यहाँ से हम ओमेगा ले लेते हैं, ये होता है ओमेगा एल. ओमेगा हो जाएगा 314, ठीक है, और एल, एल का वैल्यू है 40 मिली हेनरी, मिली 10⁻³ रख दिया. ये जो भी वैल्यू आएगी ये कितने में हो जाएगी, ओम में हो जाएगी, और इसको हमने लिख दिया 12.56 ओम. ओके, एक्स सी की बात करें, एक्स सी होता है 1/ωc, ठीक है, ओमेगा हमारे पास में वापस दे रखा हमें 314 एंड सी, सी इज इक्वल टू 100 माइक्रोफेरेड, माइक्रो 10⁻⁶, और ये जो भी पहले आएगी ओम में हो जाएगी, दिस इज 31.84 ओम. यहाँ से हमें पता चलता है कि एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल,
तो अल्टीमेटली कैपेसिटर डोमिनेट करेगा, तो करंट जो है करंट कैपेसिटर में लीड करती है 90 से, और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो यहाँ पे भी करंट लीड करने वाली है, तो करंट 90 से लीड कर लेगी, तो हम करंट का वैल्यू अगर लिखें आई टी इज इक्वल टू सम आई नॉट, ठीक है, साइन 314 टी प्लस करंट को लीड करा दिया हमने पाई बाय 2 से, ठीक है, आई नॉट का वैल्यू निकालना है, आई नॉट का वैल्यू हो जाएगा आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड, और जेड मेरे पास में है वी नॉट एक्स सी माइनस एक्स एल, क्योंकि रेजिस्टेंस तो है नहीं इसमें, तो वी नॉट का वैल्यू है 10 और एक्स सी है 31.84 माइनस ये हो जाएगा 12.56, सो ये सॉल्व करके आता है 0.52, तो इसमें वैल्यू रख लेते हैं, ये हो जाएगा 0.52, साइन का हो जाएगा कॉस 314 टी, दैट्स इट, सो इस बेस पे हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज, देर इज अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट एट सम डेप्थ बिलो द सर्फेस ऑफ वाटर इन अ टैंक ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शनल सर्फेस एरिया नेगलेक्टिंग एनी रिफ्लेक्शन फ्रॉम द बॉटम एंड एब्जॉर्प्शन बाय द वाटर परसेंटेज ऑफ द लाइट दैट इज इमर्जिंग आउट फ्रॉम द सर्फेस इज नियरली ओके। सो इसमें हमें एक वाटर सर्फेस दे रखा है, सपोज दिस इज वाटर सर्फेस, ठीक है, और इसके अंदर ये वाटर हमने ले लिया और यहाँ पे एक लाइट सोर्स रखा हुआ है, ठीक है, तो ये दिस इज अ सोर्स, इस सोर्स से जब लाइट चलेगी तो सोर्स से लाइट चलेगी तो यहाँ पे TIR हो जाएगा, और TIR जब होगा क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है तो थीटा सी पे यहाँ पे TIR हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले पहले जो भी लाइट यहाँ से बाहर आएगी, जो भी लाइट यहाँ से बाहर आएगी वो तो बाहर आ पाएगी लेकिन इसके आगे वाली नहीं आएगी, ऐसा इधर भी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हम ये हमारे पास हमने इसको R कह दिया, ठीक है, और इसको हमने H कह दिया, ठीक, तो हम ये अच्छा ये थीटा सी है तो ये भी कितना हो गया थीटा सी, अब इस सोर्स से जो लाइट चलेगी वो इधर भी चलेगी, इधर चलेगी, ये सब तरफ चलेगी, ठीक है, उसमें से वही लाइट बाहर आ पाएगी जो इसके और इसके बीच में से बाहर आ रही होगी, तो ऊपर एक सर्कुलर रीजन बन रहा होगा जिससे लाइट बाहर आ रही होगी, इसको सेंटर मानते हुए, इसको सेंटर मानते हुए और इसको रेडियस मानते हुए हम एक एक स्फीयर बना लेते हैं ये, ओके, इस स्फीयर में हम देख रहे हैं कि इस स्फीयर का इस पॉइंट पे जो टोटल सॉलिड एंगल बनेगा वो 4π बनेगा, और ये जो ऊपर ये जो सर्कुलर एरिया बन रहा है इस एरिया की वजह से लाइट बाहर आ रही, तो इस एरिया का सॉलिड एंगल यहाँ से निकाल लेंगे, तो दो सॉलिड एंगल का रेशियो ले लेंगे तो हमें फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी मिल जाएगा दैट इज कमिंग आउटसाइड एंड मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा, तो परसेंटेज ऑफ लाइट कमिंग आउट इज कितना हो जाएगा परसेंटेज ऑफ लाइट दैट इज कमिंग आउट, तो जो बाहर आ रहा है उसके लिए सॉलिड एंगल लगाएंगे हम 2π 1 माइनस कॉस थीटा सी, ओके, दैट इज होल डिवाइडेड बाय 4π, ठीक है, ये हमने और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लें तो ये परसेंटेज आ गया, हमने यहाँ पे ये जो डिस्क बन रही थी इस डिस्क का जो सॉलिड एंगल था इस पॉइंट पे वो लिखा है 2π 1 माइनस कॉस थीटा टी, और ये जो पॉइंट था इस पे टोटल स्फीयर पे बनने वाला सॉलिड एंगल भी लिख दिया, ये स्फीयर की वजह से 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा 1/2 1 माइनस कॉस थीटा सी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं म्यू रेयरर बाय म्यू डेंसर इनटू 100 कर देंगे, यहाँ पे म्यू का वैल्यू हमारे पास रखने के लिए है कितना, म्यू का वैल्यू ये 4/3 कर लेते हैं, ठीक है, तो वाटर का 4/3 होता है सबको मालूम, तो ये 4/3 यहाँ रख लेंगे म्यू का वैल्यू, तो इससे ये अप्रॉक्सीमेटली 17% आ जाता है, ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट प्लीज, ओके, ये जो क्वेश्चन है जो IIT ने दिया ये बेसिकली बोनस हुआ, इग्नोर हुआ, इसका कोई आंसर चार ऑप्शन में था नहीं, तो इनमें से तो कोई ऑप्शन सही है नहीं। अच्छा, करना इसमें क्या है, हमसे कहा गया है कि ये जो मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं है ना A1, B1, C1 उसके चार सेट दे रखे हैं, और विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें ग्रेटर और लेस बताना था कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है, तो ये जो चार ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 ठीक है, इनमें से तो एक भी करेक्ट नहीं था, ठीक, फिर हम ये देख लेते कि इसको करना कैसे है, सबसे पहले अच्छा A1, B1, C1 ही हमसे पूछा है ऐड करके, तो हमारे पास A1, B1, C1 की वैल्यू है, तो A1 + B1 + C1 फिर A2 +
b2 plus c2, फिर a3 plus b3 plus c3, उसके बाद a4 plus b4 plus c4, ये हमें कैलकुलेट करना था, ठीक? तो a1 का वैल्यू दे रखा है ये हमें, फिर दूसरा वैल्यू b1 का दे रखा है, c1 का दे रखा है, इन सबको ऐड कर लेते हैं, इनको ऐड करने के बाद में हमें मिलता है 280.6324, इसी तरह हम बाकी के a2, b2 एंड c2 को ऐड कर लेंगे, फिर a3, b3 और c3 को ऐड कर लेंगे, फिर a4, b4 और c4 को ऐड कर लेंगे, तो इसमें वैल्यू मिलती है 280.722 और इसमें मिलता है 280.6642 और इसमें मिलता है 280.691, सो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन. अब हमें इसको राउंड ऑफ करना है, तो हम एलजेब्रा में चल रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, प्लस में राउंडिंग में एलजेब्रा में जब प्लस किया जाता है तो पॉइंट के बाद में हम देखते हैं कि कितने डिजिट हैं, इसमें पॉइंट के बाद दो डिजिट हैं, इसमें पॉइंट के बाद फोर डिजिट हैं, इसमें पॉइंट के बाद वन डिजिट है, तो हमें भी पॉइंट के बाद वन डिजिट में आंसर देना है क्योंकि इसमें सबसे कम डिजिट है पॉइंट के बाद वन और ये अनसर्टन डिजिट है, तो इससे ज़्यादा अनसर्टनिटी को लाने से कोई मतलब नहीं है, तो ये अनसर्टन डिजिट है इसका, तो इसमें हम इसके अनसर्टन होने की वजह से पॉइंट के बाद एक डेसिमल में ही आंसर देंगे, तो इसमें पॉइंट के बाद एक डेसिमल में आंसर देना है, तो यही डेसिमल हम कैरी करेंगे, तो ये हो जाएगा 280.6. अगर इसको राउंड ऑफ करने जाएंगे तो इसमें पॉइंट के बाद टू डिजिट है, इसमें थ्री डिजिट है, इसमें वन डिजिट है, तो इसको भी हम वन डिजिट में देंगे, तो वन डिजिट में आंसर दे देंगे, ये हो जाएगा 280.7. इसमें पॉइंट के बाद वन डिजिट है, इसमें इसमें फोर डिजिट है, इसमें थ्री डिजिट है, तो इसमें भी वन डिजिट में आंसर देंगे, तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये सिक्स आ रहा है, तो इसको वन से इंक्रीमेंट कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा 280.7. ओके, फोर्थ ऑप्शन में देखिए, इसमें पॉइंट के बाद डिजिट नहीं है, इसमें है और इसमें भी है, तो इसके बाद पॉइंट के बाद एक भी डिजिट नहीं है, तो इसमें भी हमें पॉइंट के बाद एक भी डिजिट नहीं चाहिए, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इस सिक्स की वजह से इसको 281 कर सकते हैं हम, ठीक है. अब इस बेस पे हम कह सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, हमें दिख रहा है कि सबसे बड़ा ये है लार्जेस्ट वन और उसके बाद में उनसे छोटे ये दोनों हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल हैं और सबसे छोटा ये है. ओके, नेक्स्ट प्लीज. ओके, यूनिफॉर्मली थिक व्हील विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड रेडियस आर इज दिस व्हील इज रोटेट फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, द मासलेस स्ट्रिंग इज रैप्ड ओवर इट्स रिम एंड टू ब्लॉक ऑफ द मासेस m1 and m2, where m1 is greater than m2, attached at the end of the string. The system is released from rest. The angular speed of the wheel when m1 descends a distance h. जब ये m1 h से नीचे आ जाता है, तब इसका angular speed पूछा है, okay? तो इसमें हम सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, जब ये एच से नीचे आ जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस है वही लॉस इसकी काइनेटिक और इसकी पोटेंशियल और इसकी रोटेशनल काइनेटिक में जाने वाला है, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं, तो हमने कहा यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन से बात करें, तो इसकी पोटेंशियल का जो लॉस हुआ है, दैट इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू m1 जी एच, दैट इज इक्वल टू इसकी पोटेंशियल का राइज हुआ है, ये लॉस कहाँ कहाँ गया है देखें, m2 जी एच प्लस हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वेयर, अगर ये v से नीचे जा रहा है, ठीक है, तो ये v से ऊपर जा रहा है, और एक इसकी स्पीड हाफ काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर. ओके, तो हमने ये एनर्जी कंजर्वेशन लगा देखी, एक का पोटेंशियल का लॉस, इसकी पोटेंशियल का लॉस जो है इसकी पोटेंशियल का गेन, इन दोनों की काइनेटिक का गेन और इसकी रोटेशनल काइनेटिक के गेन में इन्वॉल्व कर दिया. इस बेस पे अब हमें ओमेगा कैलकुलेट करना है, जब हमें ओमेगा कैलकुलेट करना है तो इसको हमने इधर भेज दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 इंटू जी एच. ओके, ये 2 और ये 2 यहाँ से कॉमन लेके इसके साथ भेज दिया, ठीक. अब रही बात यहाँ पे कितना रह गया, m1 प्लस m2, वी जो होता है, वी होता है आर ओमेगा, क्योंकि स्लिपिंग नहीं है, तो इसका यहाँ का इस पॉइंट का वी और इसका v हम सेम कर देते हैं, तो ये लिख देंगे r स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, और ओमेगा स्क्वेयर को बाहर निकाल दिया यहाँ से, ये i और ये ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है. इन सब को हम नीचे ले लेते हैं इसमें, तो ओमेगा हमें कितना मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा स्क्वेयर में, ये हो जाएगा ट्वाइस
m1 minus m2 into gh upon m1 plus m2 into r square plus I, और फिर उसका हम क्या कर लेंगे, रूट ले लेंगे. तो हमें रूट के अंदर सारी टर्म्स चाहिए, तो रूट के अंदर सारी टर्म्स में हमारे लिए ये आ गया 2, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये मैच कर रहा है. ठीक है, हमने ओमेगा स्क्वायर निकाला है, ओमेगा लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रूट ले लेंगे. तो इसका रूट ले लेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, ए प्लैनेट ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, प्लैनेट बी हैज हाफ द मास एंड हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए. इफ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट ए एंड बी इज दिस एंड दिस. अच्छा, एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? एस्केप वेलोसिटी है 2 जी एम बाय आर. आर प्लैनेट का रेडियस है, एम उसका मास है, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है. तो हमने कहा ए बाय बी इज इक्वल टू दैट इज एम ए बाय आर ए अपॉन एम बी बाय आर बी. ये ठीक है, ठीक. एम ए, एम ए का मास हमने, अच्छा हमें एम ए को हमने एम ए ही रहने दिया, ठीक है, और आर ए को आर ए ही रहने दिया. एम बी मास ऑफ द प्लैनेट बी, द प्लैनेट बी हैज द मास हाफ द मास, हाफ द मास दैट इज एम ए बाय 2, ये आधा कर दिया. एंड हाफ द रेडियस, रेडियस भी हाफ है, आर ए बाय 2. ओके, सो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल. तो ये आपस में भी कैंसिल हो जाएगा, ये वापस हमें 1 मिल जाएगा. तो दोनों की वेलोसिटी का रेशियो 1 है. हमें दिया है कि वी ए बाय वी इक्वल्स टू एन बाय 4, दिस इज एन बाय 4. So n equals to what? N equals to 4. So answer हो जाएगा second. Next please. इस question में दिया है, particle of mass m is projected with a speed u from the ground at angle of the theta pi by 3 with horizontal. When it has reached its maximum height, it collides completely inelastic with another particle of the same mass and velocity u i cap, the horizontal distance covered by the combined mass before reaching the ground. तो इस question में हमें यहाँ से एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किए थे, ये पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किया 60 डिग्री पे और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है. जब ये पार्टिकल टॉप पे पहुँचता है तो टॉप पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, u cos थीटा दैट इज़ u by 2. ओके, u cos 60 u by 2, इसका मास m है. टॉप पे जाके ये किसी दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करता है जो कि u स्पीड से जा रहा था, उसका मास भी m था. अच्छा, कॉलिजन के बाद में दोनों एक साथ कंबाइंडली मूव करते हैं और मान लिया इसकी वेलोसिटी v हो गई और मास कितना है 2m. तो मोमेंटम कंजर्वेशन से इसका मोमेंटम हो जाएगा एम यू बाई 2 प्लस इसका मोमेंटम एम यू, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया. फाइनल मोमेंटम की बात करें वो हो जाएगा 2 एम वी. तो यहाँ से वी कैलकुलेट कर लेते हैं, वी आ जाएगा हमारे पास में 3 बाई 4 यू. ये हमने वी कैलकुलेट कर लिया. अब इस वेलोसिटी से ये पार्टिकल टॉप पे है, अभी इस वेलोसिटी के साथ टॉप पे है और इस वेलोसिटी के साथ टॉप पे है, तो टॉप से जब नीचे आता है ये ऐसे, ठीक है, तो हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है आर. इस आर को कैलकुलेट करने के लिए हमने कहा यहाँ की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ये रही 3 बाई 4 यू. ओके, मल्टीप्लाइड बाई 3 बाई 4 यू मल्टीप्लाइड बाई टी बाई 2. तो टी बाई 2 तो ये हो जाएगा 3 बाई 4 टू द 8 यू टी. टी का वैल्यू हम रख सकते हैं 2 यू साइन थीटा बाई जी, और 2 यू साइन थीटा बाई जी रखने के बाद हमारे पास हो जाता है 3 रूट 3 बाई 8 यू स्क्वेयर बाई जी. तो इस बेस पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट दिया है, 2 गैसेस आर्गन एंड ज़ीनॉन हैविंग द सेम नंबर डेंसिटी एंड सेम टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ देयर मीन फ्री टाइम्स. सो मीन फ्री टाइम्स की अगर हम बात करें तो मीन फ्री टाइम अगर हम कैलकुलेट करने जाएं तो टाइम हो जाएगा लैम्डा बाय वी, जहाँ लैम्डा हो जाएगा मीन फ्री पाथ, और मीन फ्री पाथ जो है उसके डायमीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मीन फ्री पाथ. और वेलोसिटी जो हो जाएगी वी जो होती है वो होती है 3 आर टी बाय मॉलिकुलर वेट. तो मॉलिकुलर वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि टेम्परेचर हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो मॉलिकुलर वेट का रूट हम ऊपर भेज देते हैं इधर, ठीक है. डायमीटर को अगर हम रेडियस की टर्म में भी लिखें तो प्रोपोर्शनलिटी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा. सो इस बेस पे रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव मीन फ्री पाथ, तो टी वन बाय टी टू चाहिए हमको, ये हो जाएगा एम वन अपॉन आर वन स्क्वेयर दैट इज होल डिवाइडेड बाय एम टू अपॉन आर टू स्क्वेयर. एम वन की वैल्यू हमारे पास है 40, रूट में आ जाएगा
आर वन हो जाएगा 0.07, ये एटॉमिक रेडियस हो गई। एम टू, एम टू की वैल्यू है हमारे पास में एम टू 140, और रेडियस जो है यहाँ पे भी 0.1 स्क्वायर कर लिया हमने दोनों रेडियस का, ठीक है, और दोनों नैनोमीटर में, नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा। इसको फर्दर सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो ये आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 1.1। अब 1.1 इसमें है नहीं तो इसका क्लोजेस्ट आंसर हम दे देते हैं 1.83। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रॉड ऑफ द लेंथ एल हैज अ नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी दिस, ए एंड बी आर द कॉन्स्टेंट, द वैल्यू ऑफ द एक्स फॉर द सेंटर ऑफ मास। तो इसमें रॉड का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। रॉड का सेंटर ऑफ मास, अगर ये रॉड ले लेते हैं हम सपोज, ठीक है, ये यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसका सेंटर ऑफ मास हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे हमें लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है रो एक्स, और रो एक्स हमें दे रखा है ए प्लस बी एक्स स्क्वेयर बाई एल स्क्वेयर, एल इज टोटल लेंथ है। अगर हम एक्स सी एम की बात करें, एक्स सी एम वो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी एम, है ना, और डी एम बाई डी एक्स कर लेते हैं, तो इसको लीनियर मास डेंसिटी की टर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स इंटू रो इंटू डी एक्स। ये कैसे किया हमने, इसमें डी एम से डी एक्स से डिवाइड कर दिया और डी एक्स से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी एम बाई डी एक्स को हमने रो लिख दिया। इसमें भी हमने ऐसे ही कर दिया, डी एक्स से डिवाइड करके डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी कितना हो गया, सॉरी तो इसमें इसको वापस लिख देते हैं, ये है डी एम और डी एम बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा रो डी एक्स। अब रो का वैल्यू हमें दे रखा है, रो का वैल्यू दे रखा है ए प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं एक्स सी एम कैलकुलेट करने के लिए, एक्स सी एम इक्वल्स टू रो का वैल्यू रख लिया ए प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, और इसमें भी रो का वैल्यू रख दो ए प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर और इंटू डी एक्स, लिमिट चल जाएगी 0 से लेके एल तक, टोटल लेंथ उसकी एल है। ओके, इस बेस पे ये एक्स इससे मल्टीप्लाई हो गया अंदर, इंटीग्रल कर देंगे एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये हो जाएगा ए एल स्क्वायर बाई टू, लिमिट रख दी हमने, ये एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स फोर बाई फोर, तो एल फोर बाई फोर इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बी एल स्क्वायर बाई फोर, ठीक है, यहाँ पे हमने इंटीग्रल करके लिमिट लगा दी। इसमें बात कर लें ए डी एक्स, तो ये हो जाएगा ए एल प्लस बी, और ये हो जाएगा ये इसका एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई थ्री, तो एक्स क्यूब में एल क्यूब बाई थ्री, एल से एल स्क्वायर कैंसिल, तो ये एल बाई थ्री। ओके, तो ये हमें एक्स सी एम मिल जाएगा, इसमें एल ऊपर से कैंसिल कर सकते हैं कैलकुलेट करके, उससे पहले हम एल सी एम ले लेते हैं, इसका एल सी एम ले लेंगे, ये हो जाएगा टू ए प्लस बी इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर, और ये हमें मिल जाएगा थ्री ए प्लस बी, ओके, बाय एल बाई थ्री, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, थ्री ऊपर चला जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे इसका एल सी एम ले लेते हैं, ये हो जाएगा टू ए प्लस बी बाई फोर एल स्क्वायर दैट इज होल डिवाइडेड बाई थ्री ए प्लस बी बाई थ्री इंटू एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमें थ्री बाई फोर टू ए प्लस बी अपॉन थ्री ए प्लस बी इंटू एल। ओके, तो इस बेस पे आंसर हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज हाइड्रोजन लाइक आयन इन द ग्राउंड स्टेट इज 9 rydberg, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। अब इसमें जो एनर्जी दे रखी थोड़ी अलग से फॉर्मेट में दे रखी है, इसका लॉजिकल मीनिंग ये है कि जैसे अगर हम इसमें नील्स बोर की थ्योरी से 1 by lambda का वैल्यू लिखें, दैट इज आर जेड स्क्वेयर, ओके, और 1 by n1 square माइनस 1 by n2 square, ओके, तो आयनाइज करने का मतलब ये हो गया कि n2 आपके पास में इनफाइनाइट हो गया, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, और फर्स्ट ऑर्बिट से निकाल रहे तो ये 1 हो जाएगा। 1 by lambda का जो वैल्यू है दैट इज गिवन टू 9 r, ओके, सो ये आर जेड स्क्वेयर, ओके, तो यहाँ से z कितना आ गया, 3 आ गया,
z कितना आ गया 3, z हमारे पास जब 3 आ गया तो इसी फॉर्मूले में वापस हम रखते हैं तो ये हमारे पास 1 by lambda हो जाएगा r into 3 square that is 9 और अब हम second excited state से ground state की बात कर रहे हैं तो ground state के लिए हो जाएगा ये 1 second excited state का मतलब n equals to 3 तो 3 का क्या कर लेंगे हम square कर लेंगे ये 9 हो जाएगा तो 9 minus 1 8 by 9 तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 r that is equals to 1 by lambda so lambda की value आ जाएगी 1 upon 8 r 1 upon 8 r को अगर हम solve कर लें तो ये हमारे पास आता है 11.4 nm so third option correct हो जाएगा next please next question का है small droplet spherical droplet of density d floating exactly half submerged in a liquid of density rho and surface tension t the radius of the droplet is surface tension force applies on the upward direction तो इसमें हमें एक ये droplet दे रखी है और ये बिल्कुल ही half submerged है liquid में okay ये liquid में half submerged है एक droplet का density जो है d है और liquid का density rho है ठीक और droplet का radius हमें r दे रखा है ये अब ये float कर रहा है तो इस droplet पे weight इसका किधर लग रहा है नीचे लग रहा है buoyancy buoyant force ऊपर की ओर लग रहा है और एक लग रहा है surface tension का force ft okay तो इस base पे हम इसको balance कर लेते हैं float कर रहा है तो weight हो जाएगा इसका 4 by 3 pi r cube into density d into g that is equals to 2 by 3 pi r cube into density rho into g plus buoyant force ka force ho jayega 2 pi r into t okay ye r small hai hamare paas theek hai to yahan se humne common nikal liya 2 by 3 pi r cube into g ye common nikala hai yahan se isko aur isko idhar leke aa jayenge तो यहां पे रह जाएगा 2d माइनस रो दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई r t तो यहां पे पाई से पाई कैंसिल 2 से 2 कैंसिल एक r कैंसिल हो जाएगा तो ये 3t हो जाएगा तो हमारे पास r निकल के आएगा 3t ये 2 पाई r हम कैंसिल कर रहे हैं 2 पाई r कैंसिल कर देंगे ये 3 आ जाएगा नीचे चला जाएगा g होल मल्टीप्लाइड बाय 2d माइनस रो ओके और इसका ले लेंगे हम रूट ओके तो इस बेस पे हमारे पास में हो जाएगा फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द सर्किट शोन बिलो इज वर्किंग विद द 8 डीसी वोल्ट रेगुलेटेड सप्लाइड यहां पे 12 वोल्ट दे रखा है हमको ओके यहां पे 8 वोल्ट दे रखा है तो इसका मतलब यहां से यहां के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 4 वोल्ट का है तो इसमें जो करंट पास हो रही है I that I हो जाएगी 4 upon 400 तो ये आ जाएगा 1 upon 100 ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 10 मिली एंपियर ओके ये 10 मिली एंपियर हो गया अब 10 मिली एंपियर का करंट जब इसमें जाता है अच्छा ये आइडेंटिकल डायोड है तो इस पे भी 4 वोल्ट है और इस पे भी क्या है 4 वोल्ट तो जो पावर हो जाएगा जिसको हम लिखेंगे V into I तो V हमारे पास है 4 और I है हमारे पास 10 मिली एंपियर रखा था तो ये मिली वाट में आ जाएगा आंसर तो ये आ जाएगा 40 मिली वाट ओके नेक्स्ट ये हमें दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू दिस पासिंग थ्रू द बॉक्स द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ए बी सी डी एंड बी सी जी एफ आर मार्क्ड एज फाई 1 एंड फाई 2 तो जो फाई 1 है वो है फ्लक्स ए बी सी डी इस वाले सरफेस से इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर है के कैप में के कैप अगर फ्लक्स की डेफिनेशन से फाई होता है ई डॉट ए E dot A में हम area vector K में अगर इसके और इसके साथ multiply करते हैं G और I के साथ तो ये कितना आ जाता है 0 आ जाता है तो इस surface से pass होने वाला flux इतना हो जाएगा 0 फिर जब हम BCGF की बात करते हैं ये BCGF ये वाले surface की इसका area vector आ जाएगा किधर I cap direction में I cap direction में इसका जो area आएगा वो हो जाएगा इसकी length और इसकी width ये वाली जो length है ये along the y axis है ये along the y axis है that is 2 और ये वाली जो लेंथ है ये अलोंग द जेड एक्सिस है ये भी कितना है 2 तो 2 into 2 इसका एरिया हो जाएगा कितना 4 तो एरिया 4 आई कैप हो गया इसका ये 4 आई कैप को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जो निकल के आएगा तो i डॉट i 1 हो जाएगा तो 4x into 4 i डॉट i 1 हो गया और इसके साथ में j के साथ 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16x और x हमारे पास यहां पे कितना है x हमारे पास यहां पे 3 है तो ये हमारे पास हो जाएगा 48 सो हमसे कहा गया है कि 51 -52 that is 0
minus 48, that is equals to minus 48, ok. Next please. Next question is, starting at the temperature 300 Kelvin, 1 mole of the ideal diatomic gas is first compressed adiabatically from volume V1 to V2, then it is allowed to expand isobarically to the volume 2V2. Okay. If all the process are quasi-steric, then final temperature of the gas in the nearest integer. Okay, so is mein hume, hum is process ke liye pehle PV diagram bana lete hain. Ye V hai, ye P hai. Okay, pehle adiabatically compress kiya, ye compress kar liya. Ye humare paas V1 tha. Aur V1 se compress karke hum V1 by 16 tak le gaye, jo ki hume V2 de rakha hai. Thik. Phir yahan se hum isko adiabatic isobarically expand kiya aur expand karke 2V2. Iska double matlab V1 by 8, to V1 by 8 matlab isse jyada, to yahan tak leke aage double tak. Aur us waqt ye jo hai, this is V1 by 8. Isko hum A keh dete hain, isko B keh dete hain, isko C keh dete hain. Theek hai, hum pehli process ke liye baat kar rahe hain, AB ke liye. AB ke liye hum use karte hain T, adiabatic hai, T V ki power gamma minus 1 equals to constant. Initially jo A pe jo temperature tha, A pe temperature tha 300, V1 gamma minus 1, that is 0.4, gamma mein de rakha hai, ok. That is equals to, yahan pe, B pe hum temperature calculate kar rahe hain, aur V kitna hai yahan ka? Yahan ka V hai V1 by 16, aur power lag jayegi is pe 0.4, ok. So, yahan se TB calculate ka jaya jaya, ye ho jayega 300, aur into 16 की पावर 0.4, 0.4 को हम लिख सकते हैं 2 by 5, ये केल्विन में हो गया टेम्परेचर. फिर हम B से C के लिए बात हैं, B से C आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, B से C आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए हम लिख सकते हैं V proportional T, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं VB by VC is equals to TB by TC. VB हमको कितना दिया है, VB हमें दिया है V1 by 16, और ये है V1 by that is 8, ये हमारे पास में हो जाएगा 1 by 2, that is equals to TB by TC, so TC हमें calculate करना है, TC हो जाएगा 2TB, 2TB की बात करें तो इसका double हो जाएगा 600, 16 की power 2 by 5, further इसको solve कर लें, तो ये approximately आ जाता है 18 Kelvin के साथ, ये इसका numeric rate था, जिसका range में answer दिया था. Next please. Next दिया है, in YDSC experiment 15 fringe are observed in a small portion of the screen when light of wavelength 500 nm is used. 10 fringes are observed on the same section of the screen when another source of the wavelength lambda is used. Then lambda is what? तो पहले हमारे पास 15 fringes थी और 15 fringes के लिए जो हमें distance चाहिए था वो lambda d by d और lambda उस वक्त हमारे पास 500 था तो ये lambda 1 हो गया. बाद में उसी रीजन में हमें कितनी 10 फ्रिंजेस मिल रही है ये और उस वक्त लैम्डा हमें कैलकुलेट करना है डी बाय डी, ये दोनों सेम हो गए तो डी बाय डी से डी बाय डी कैंसिल, तो लैम्डा आ जाएगा 15 लैम्डा 1 दैट इज 500 nm, ओके, डिवाइड बाय 10, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 750 nm हो जाएगा इसका आंसर. नेक्स्ट Next, हमसे कहा, in a meter bridge experiment, S is a standard resistance and R is a resistance wire. It is found then balancing length is 25 cm. R is replaced by another by half the length and the half the diameter. Then of same material, then balancing length is what? पहले ये दे रखा है, इसके लिए अगर हमें देखें तो L हमें दिया है 25, ये 25 दे रखा है, तो इसको लिख सकते हैं R, that is rho L by A. Pi r square, तो pi d square by 4 diameter की टर्म में रख दिया, that is divided by L, length इसकी दे रखी 25, okay, that is equals to S by 75, ये पहली equation आ गई, this is S. इसके बाद में second equation में हम क्या कर सकते हैं, second equation में हमसे कहा गया है कि इसको replace कर दिया, दूसरे wire से half the length, length half कर देंगे और diameter क्या कर देंगे, diameter भी half कर देंगे, तो ये हो जाएगा rho L by 2 upon pi, d को half कर दिया, तो d square, और half करते ये 4 है, half का एक और 4 आ जाएगा यहाँ पे, that is whole divided by, अब ये length हमें calculate करना है, ठीक है, that is equals to s divided by, ये हो जाएगा 100 minus l, okay, तो यहाँ पे, ये जो
पूरा टर्म है ये टर्म, ओके ये टर्म हमारे पास यहाँ पे भी है, रो एल बाई पाई डी स्क्वायर बाई फोर, और ये टू नीचे आ जाएगा, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से, है ना, इसको इसको जैसे कैंसिल ही कर दिया, ये थ्री हो गया, तो ये एस बाई थ्री हो गया, ठीक है, तो एस बाई थ्री यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं, और एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो वन बाई थ्री रह जाएगा, ये रह जाएगा वन बाई टू, और ये फोर बाई वन, तो टू, तो यहाँ पे आपको टू मिल जाएगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा कि ये हमने हटा दिया, ये भी हटा दिया, और ये डी स्क्वायर और ये हटा दिया, ये फोर ऊपर चला गया, फोर बाई टू दैट इज़ टू हो गया ये, और इसको हमने रखा है कितना, एस बाई थ्री, एस बाई थ्री बाई एल, एंड दैट इज इक्वल टू एस अपॉन हंड्रेड माइनस एल, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू हंड्रेड माइनस टू एल, दैट इज इक्वल टू थ्री एल, तो ये हो जाएगा फाइव एल, और ये हो जाएगा टू हंड्रेड, तो एल हमारे पास आ जाएगा कितना, 40 सेंटीमीटर, दैट्स इट।